नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, उर्दू की वर्णमाला। अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये मेरा वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ और आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं, अगर कोई आपका दोस्त सीखना चाहता है तो इसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो उर्दू के वर्णमाला को आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हिंदी में आप लिखते हैं उस प्रकार से उर्दू में नहीं लिखा जाता है। उर्दू में आप दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। जिस प्रकार से हिंदी की किताबें आती हैं वो सीधे आप प्रेस पलटते होंगे, सीधे की तरफ छपी रहती हैं, और उर्दू की बुक्स आप देखते हैं पीछे की साइड से पब्लिश रहती हैं, छपी रहती हैं। तो उर्दू के अल्फाज हम लोग दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जिसमें पहला हमारा अक्षर होगा अलिफ। देखिए अलिफ लिखा हुआ है, अलिफ से हमारा होता है अनार, अलिफ से अनार। ठीक, अगला अक्षर लिखा हुआ है हमारा बे। अगला अक्षर है हमारा बे, बे से हमारा होता है बकरी। देखिए बे लिखा हुआ है, बे से बकरी। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं हरूफ क्या लिखा हुआ है। अगला हरूफ हमारा है पे, अगला हरूफ हमारा पे, पे ये देखिए पे लिखा हुआ है, पे से होता है हमारा पतंग। अगला हरूफ देखिए लिखा हुआ है हमारा ते, ते से लिखा हुआ है तितली, ते से तितली होता है। अगला हरूफ देखते हैं, अगला हरूफ हमारा है टे, टे से हमारा होता है टमाटर। देखिए टे से हमारा होता है टमाटर, टे से टमाटर। अगला हरूफ हमारा है से, देखिए लिखा हुआ से, से से होता है हमारा समर, समर माने फल। अगला हरूफ हमारा है जीम, देखिए जीम लिखा हुआ है, जीम से होता हमारा जहाज, यानी पानी में जो जहाज चलता है उसको जीम से लिखा जाता है। अगला हरूफ हमारा चे, देखिए चे लिखा हुआ है, चे से होता हमारा चाकू, चे से चाकू यानी नाइफ। अगला हरूफ देखते हैं, अगला हरूफ हमारा है हे, देखिए हे लिखा हुआ है, हे से हुक्का, हो से हुक्का। अगला हरूफ हमारा खे, एक खे लिखा हुआ है, खे से होता हमारा खरगोश, खे से खरगोश। अगला हरूफ देखिए हमारा, अगला हरूफ हमारा है दाल, ये देखिए दाल लिखा हुआ है, दाल से हमारा दवात यानी इंक पॉट। अगला हरूफ हमारा है दाल, देखिए ये लिखा हुआ है दाल, दाल से होता है डमरू। देखा होगा आपने शंकर भगवान जी को, उनके हाथ में डमरू रहता है, तो दाल से डमरू। अगला हरूफ देखते हैं हम लोग, अगला हरूफ हमारा है जाल, देखिए लिखा हुआ है जाल, इससे होता है जाल से आपका जखीरा, यानी बहुत सारा सामान जहाँ पे रखा रहता है उसको जखीरा कहते हैं। अगला हरूफ हमारा है रे, देखिए रे लिखा हुआ है, रे से हमारा होता है रिक्ष, यानी एक जानवर होता है रिक्ष, भालू की तरह दिखता है रिक्ष। इसके आपने खेल भी देखे होंगे गाँव देहातों में, कुछ आते हैं लोग दिखाने के लिए रे से रिक्ष। अगला हरूफ हमारा है प्ले, देखिए प्ले लिखा हुआ है, ये प्ले से प्ले। अगला हरूफ हमारा है जे, देखिए ये बना हुआ है जे, जैसे हमारा होता है जेब्रा, आपने देखा हो चले गए हमें जेब से जेब्रा। अगला हरूफ देखते हैं, अगला हमारा हरूफ है जाल, देखिए जाल, जाल मतलब पहलवान आदमी। अगला हरूफ देखिए हमारा लिखा हुआ है सीन, अगला हरूफ हमारा है सीन, सीन से हमारा होता है सेब। अगला हरूफ हमारा देखिए लिखा हुआ है शीन, देखिए शीन लिखा हुआ है, शीन से हमारा होता है शेर, हमने देखा होगा शेर को चिड़ियाघरों में भी देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, शीन से शेर। अगला देखिए हरूफ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ स्वाद, देखिए स्वाद, स्वाद से होता है हमारा सुराही, सुराही में पानी को रखने पे ठंडा होता है सुराही, एक पॉट होता है सुराही, मिट्टी का होता है। अगला हरूफ देखते हैं लोग, अगला हरूफ हमारा है जुआद, जुआद से जाइफ, जाइफ मतलब बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी।
अगला हुरूफ हमारा है तोए। देखिए तोए लिखा हुआ है, तोए से होता हमारा तोता, तोए से तोता। अगला हुरूफ देखिए हमारा है जोए, ये जोए, जोए से होता हमारा जरूर मतलब बर्तन। अगला हुरूफ हमारा एन, देखिए एन लिखा हुआ है, एन से होता हमारा औरत, एन से औरत। अगला हुरूफ हमारा है गैन, ये देखिए गैन लिखा हुआ है, गैन से होता है हमारा गुब्बारा। अगला हुरूफ देखते हैं फे, ये देखिए फे लिखा हुआ है, फे से होता हमारा फव्वारा, फे से फव्वारा। अगला हुरूफ देखिए काफ, ये देखिए काफ लिखा हुआ है, काफ से होता है कैंची, कैंची को बड़ा काफ भी बोलते हैं, काफ से कैंची। अगला हुरूफ देखिए ये भी काफ लिखा हुआ है, जिसको छोटा काफ बोलते हैं इसको बड़ा काफ बोलते हैं, बड़ा काफ से कबूतर। अगला हुरूफ देखिए, अगला हुरूफ हमारा है गाफ, देखिए गाफ लिखा हुआ है, गाफ से गुलाब। अगला हुरूफ देखिए, अगला हुरूफ हमारा है लाम, लाम से हमारा होता है लड़का, लाम से लड़का यानी बॉय। अगला देखिए हुरूफ, अगला हुरूफ हमारा है मीम, देखिए मीम लिखा हुआ है, मीम से मुर्गा, ठीक मीम से मुर्गा। अगला हुरूफ देखें, अगला हुरूफ है नून, देखिए नून लिखा हुआ है, नून से नल, नून से नल। अगला हुरूफ देखते हैं, अगला हुरूफ हमारा है वाल, देखिए वाल लिखा है, ठीक इसको वाव भी बोलते हैं, ठीक वाव, वाव से हमारा होता है वॉलन, वाव से वॉलन, ठीक ये वाव लिखा है, वाव से वॉलन। अगला हुरूफ हमारा देखते हैं, अगला हुरूफ हमारा है ये लिखा हुआ है, ये लिखा है दो चश्मी है, अगला हुरूफ है ये है, ये दो चश्मी है, तो हे से हमारा होता है हिरण, हे से हिरण। आगे बढ़ते हैं, अगला हुरूफ हमारा है देखिए ये लिखा हुआ है छोटी ये, इसको कहते हैं छोटी ये, ठीक। अगला हुरूफ देखते हैं, अगला हुरूफ हमारा है ये, इसको हम लोग कहते हैं बड़ी ये, बड़ी ये से ये का, यानी आप देखा होगा गांव में एक का गाड़ी होती है, ठीक ये बड़ी ये से एक का, ठीक। अगला हम रूप देखते हैं, इस प्रकार से ये कुछ मेन मेन आपके उर्दू वर्णमाला के शब्द हैं, उसमें बहुत सारे जैसे आपके वर्ड होते हैं भा और भी कई शब्द होते हैं, उसको मिला के बनाया जाता है, उसकी मैं वीडियो अगले एपिसोड में बनाऊँगा, ठीक। ये उर्दू वर्णमाला के शब्द को मैं एक बार पढ़ के भी बता दे रहा हूँ, जिस प्रकार से आपको आसानी रहे। ये देखिए लिखा हुआ है अलिफ बे पे ते पे से जीम चे बड़ी है खे दाल डाल जाल रे रे छोटी जे छोटे सीन बड़े सीन स्वाद जुआद तोए जोए एन गैन फे बड़ा काफ छोटा काफ गाफ लाम। हाँ आगे लाम के बाद मीम नून वाव हे दो चश्मी है हमजा छोटी है बड़ी है। ठीक दोस्तों, ये है आपका उर्दू वर्णमाला के कुछ हुरूफ। वर्णमाला को आपने अच्छी जगह अगर समझ लिया है तो आप मेरा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार से नया वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो मुझको आप कमेंट्स दे सकते हैं, मैं ताकि आपके लिए अगला वीडियो बना सकूं जिसमें मैं उर्दू को पढ़ना और लिखना बताऊंगा। ये आपका उर्दू का बेसिक था। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।